नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बागपत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। वे किसान आंदोलन से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में किसान लगातार एमएसपी पर गारंटी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राकेश टिकैत हरियाणा और पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि 14 मार्च को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें देश से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा होगी। इस दौरान उन्होंने चुनाव के साथ ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान पर भी अपनी बात रखी है। दो गठे दो से मिलेंगे, यहाँ की क्या समस्या है वो भी करेंगे। शादी भी आगे भी सीजन चल रहे भाई, कम खर्चे में अपना काम चलो, ज्यादा कर लगे काम। अभी केंद्र सरकार का क्या रुख चल रहा है, पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है वो अभी उस पर भी कोई गुजर लग रहा है? देखो, हमारा तो कोई संबंध है नहीं। एसकेएम की तो 14 तारीख की मीटिंग है, उनकी पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है उसकी कमेटी बनी हुई है, केंद्र सरकार उनसे बातचीत कर रही है, तो उनको तो वही कमेटी उनकी बता पाएगी। फर्रुखाबाद में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की संपत्ति को जब्त कर लिया है। बता दें कि ईडी ने पीएमएलए के तहत लुईस खुर्शीद और बाकी आरोपियों की 45.92 लाख कीमत की संपत्ति जब्त की है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने फर्रुखाबाद में 29.51 लाख रुपए और 4 बैंक अकाउंट में 16.41 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। दरअसल ये कार्रवाई डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में घपले से जुड़ी मामले को लेकर के की गई है। ट्रस्ट के पैसे का इस्तेमाल निजी खर्च के लिए करने का आरोप लगा है। मामले में यूपी पुलिस ने लुईस खुर्शीद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 17 मामलों में चार्जशीट दायर की थी। इसी मामले को लेकर टेक ओवर कर ईडी ने पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी और अब ईडी ने अपना शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। दिन में बात मथुरा की भी कर लेते हैं, जहां वेटनरी यूनिवर्सिटी में 13वां दीक्षांत समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान का दीक्षांत समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समारोह में 79 पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक, 27 जैव प्रौद्योगिकी स्नातक, 32 पैरा स्नातक और 4 पीएचडी समेत कुल 142 उपाधियां दी गई। दीक्षांत समारोह में मेधावियों को सम्मानित करने के लिए कुल 14 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक वितरित किए गए। आज मैंने आपको एक इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनके लिए धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और ये प्रोग्राम किया उन्होंने। यहाँ ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान है, यहाँ पर दीक्षांत समारोह हुआ गया है। यहाँ पर हमें प्राथमिक विद्यालय माधोपुर से बच्चों को और हम लोगों को बुलाया गया और बच्चों को गिफ्ट वितरित की गई, जिसमें पुस्तकें कुछ फल हैं और बच्चे बड़े खुश हुए यहाँ आकर। हमें भी अच्छा लगा जो मैं बहुत ऐसे मिलने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद प्रदान किया और बच्चे भी प्रोत्साहित हुए और मोटिवेट हुए कि जब बच्चों को देखा गया वो किस तरह बच्चे पुरस्कार ले रहे हैं, किसी गोल्ड मेडल किसी कुछ मिला है, किस तरह के बालिका बालक पढ़ रहे हैं आगे, हमारे बच्चे खुश हो रहे हैं, सभी के चेहरों पर मुस्कान है, इस तरह देख बहुत अच्छा लग रहा है हमें। लखीमपुर खीरी से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब 6 लोग घायल हुए हैं। हादसा मोहम्मदी कोतवाली इलाके के दिलावरपुर रोड पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक गोला से मोहम्मदी आ रही एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी थी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां से उन्हें शाहजहांपुर सीएससी रेफर कर दिया गया है। इनमें बात फिरोजाबाद की भी कर लेते हैं। फिरोजाबाद में जब पुलिस की टीम समाजवादी पार्टी का झंडा लगे एक कार की चेकिंग करने पहुंची, तो इसी दौरान कार चालक खुद को विधायक का रिश्तेदार बताने लगा। जब गाड़ी चेक की गई तो उसके अंदर शराब की बोतल और नमकीन पड़ी हुई मिली। पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया है। मामला शिकोहाबाद का है। दरअसल
एसपी ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह को एक कार संदिग्ध लगी थी। कार पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ था। जब एसपी देहात ने कार के ड्राइवर से पूछताछ की तो वे खुद को विधायक का रिश्तेदार बताने लगे। गाड़ी चेक करने पर उसमें शराब की बोतल और नमकीन मिले। फिलहाल गाड़ी को सीज कर दिया गया है, साथ ही चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देखिए, शिकोहाबाद में अभी तहसील तिराहे के आसपास मेरी हम लोग जा रहे थे, हम लोग इस भ्रमण में हैं। उसी क्रम में हमने एक काली स्कॉर्पियो देखी और ये गाड़ी संदिग्ध लगी। हमने इसको यहाँ रोक कर चेक किया। इस गाड़ी पर किसी विधायक पास लगा हुआ है और उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगा हुआ है। इस गाड़ी के नेम नंबर प्लेट के नीचे रेड पट्टी बनी हुई है। गाड़ी को जब खोल के चेक किया गया तो उसमें शराब की बोतलें हैं, कुछ संदिग्ध और भी सामग्रियां हैं। उसमें जो व्यक्ति था उससे पूछताछ की गई और उसके पेपर्स चेक किए गए। ये अपने आप को किसी विधायक जी का रिलेटिव बता रहा है। पूछताछ करने पता चला कि मुजफ्फरनगर में पुलिस की दुष्कर्म के आरोपी बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। दरअसल बदमाश पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस की बदमाश के साथ बुढ़ाना थाने के परासोली नहर पर मुठभेड़ हुई। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी मस्केट और कारतूस बरामद किया है। बदमाश आर्यन पर 5 दिन पहले बीए की छात्रा के साथ तमंचे की नोक पर दुष्कर्म करने का आरोप है। बुलेटिन में बाद गोंडा के जिला अस्पताल की भी कर लेते हैं, जहां अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जिसके वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोंडा का जिला अस्पताल भले ही राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का हिस्सा बन गया है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। आलम यह है कि करीब 1.5 करोड़ की लागत से लगाई गई सिटी स्कैन मशीन पिछले 2 साल से खराब है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक एवरेज के मुताबिक रोजाना करीब 100 से 200 लोग बाहर से सिटी स्कैन कराने को मजबूर है। अस्पताल में जहां सिटी स्कैन की सुविधा सिर्फ ₹500 जमा करने के बाद मिल जाती थी, वहीं अब बाहर से लोग 2,500 से 3,000 रुपए देने को मजबूर हैं। वहीं जिम्मेदार एजेंसी को जानकारी देने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए, गोंडा जनपद में जो हमारा मेडिकल कॉलेज अब निर्माणाधीन है, लेकिन जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से जो सिटी स्कैन मशीन खराब पड़ी हुई है, इसको ठीक कराए जाने के लिए जो इसकी मूल निर्माता फर्म है और साथ साथ में जो अनुबंधित फर्म है इसको इसकी मतलब सर्विस प्रोवाइडर, उन दोनों से पत्राचार करके, बिकॉज इसमें कुछ तकनीकी खराबियां इतनी जटिल थी कि उनको इसमें 2 राउंड्स में विजिट करनी पड़ी और अप्रूवल्स के लिए, क्योंकि ये शासन स्तर पर भेजा जाता है, तो उन जटिलताओं के कारण इस मामले में अभी जो है हम लोगों को पूरी तरह से होप है कि ये जो डिले हुआ है वो अब ख़त्म हो जाएगा। और वो पूरा एक असेसमेंट करके जा चुकी है जो निर्माता फर्म है कि क्या क्या कमियां हैं और उनको ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित ही इस बीच में, क्योंकि ये जो पूरी सुविधा थी उसको समय अंतर्गत ना हो पाने की वजह से, ठीक हो पाने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम लोग होपफुल हैं कि हम इस प्रॉब्लम को बहुत जल्द ही रिजॉल्व कर लेंगे। बाद में एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। मामला कायमगंज के लुधैया गांव का है। हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने सड़क को जाम कर दिया और ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मामले की जानकारी मिलने पर कायमगंज सीओ मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाने की कोशिश करने लगे। हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड करा के आ रहे थे, फरीदी के यहाँ से। फिर क्या हुआ? ट्रैक्टर सीधा चला, मैं गाड़ी खड़े कर, मैं सीधा इन्हें ट्रैक्टर रोक नहीं पाया, डबल ट्राली में चाहिए सीधा चला दिया। तो इनका मैका कहाँ है? इनका मैका कहाँ है? इनका मैका है नैगमा। ससुराल? ससुराल नैगमा है, छोटे भाई की। हाँ, भैया आज क्या हो गया? पर एकदम आज का एक्सीडेंट, सीधा ट्रैक्टर चढ़ा दिया, मैंने गाड़ी खड़ी करी, इन्हें डबल ट्राली मचाए तो इन्हें रोक नहीं पाया, सीधा ट्रैक्टर चढ़ा दिया। अच्छा, मौके पुलिस वगैरह आई थी? मौके पुलिस वगैरह आई है क्या भाई? पुलिस आई हुई है। हाँ, तो क्या ट्रैक्टर कब्जे में ले लिया? पुलिस कुछ कर नहीं रही है भैया, बॉडी को उठा लेकर दिया है हॉस्पिटल।
एक कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार महिला घायल हो गई है। बता दें कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उस पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था। वहीं स्कूटी सवार महिला अधिवक्ता हरप्रीत कौर हैं। आरोप है कि हादसे के बाद घायल महिला को इलाज के लिए भर्ती कराने के बजाय कार सवार ने महिला से अभद्रता की। महिला का आरोप है कि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट और उनके ड्राइवर ने पहले अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और फिर चलते बने। जब महिला शिकायत करने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची तो अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने माना कि उन्होंने महिला को डराया धमकाया है और ड्राइवर वहां से गाड़ी भगा कर ले गया। अब पीड़ित महिला जिले के उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कर रही है। थी मेरे को हॉर्न दिया गया पीछे से बार बार, मैंने गाड़ी साइड कर ली अपनी स्कूटी, तब तक मेरी स्कूटी पे ठोकते हुए बुलेरो एक निकली जिसपे लिखा हुआ था मजिस्ट्रेट। मुझे नहीं पता अंदर कौन था, जब मैंने ठोका के रुक जाओ क्योंकि मेरे पैर भी उसी के नीचे आ गया, तो इन्होंने जो है गाड़ी भगाने की कोशिश करी और तब तक उसने ड्राइवर ने मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मुझे नहीं पता अंदर कौन था। अभी जब मैं एप्लीकेशन लिखवाने आई हूँ तो वो खुद मान रहे हैं कि एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट साहब कि मैं अंदर बैठा था और जो है मैंने धमकाया है, मैंने उनको जो है शीशा पकड़ा है, मैंने धमकाया है, इसलिए वो डर के भाग गए। झांसी में शादी वाले घर में आग लगने की खबर सामने आ रही है। आग पर पड़ोसियों की मदद से काबू पा लिया गया है, लेकिन जब तक पड़ोसी आग पर काबू पाते तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। मामला मऊरानीपुर कोतवाली इलाके के ढीमलोनी गांव का है। जानकारी के मुताबिक घर में शादी का माहौल था। शादी की खुशी में सभी लोग मंदिर गए हुए थे, तभी लोगों को मकान में आग लगने की जानकारी मिली थी, जिस पर पड़ोसियों की मदद से काबू पाया गया। आग की चपेट में आने से करीब 5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। पीड़ित परिवार ने आशंका जताई है कि घर में जानबूझकर आग लगाई गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर हमारी एक्चुअली शादी थी तो हम उस वाले मकान थी? हमारी शादी थी। अच्छा। तो हम अपने उस वाले मकान पे थे तो शादी से जैसे कुछ रीति रिवाज होते हैं तो वो हम लोग पूरी कर रहे थे। सर हमारी शादी थी 2 तारीख की जी। तो क्या घटना हुई अपने? सर हम तो जो रीति रिवाज करके अपने आ ही रहे थे तो सर इस वाले मकान पे कोई नहीं था, सारे लोग उस मकान पे थे तो इस पे किसी ने आग लगा दी। कब आग लगाई? जस्ट ये समय कितना हुआ होगा, कम से कम करीबन 2 घंटे पहले। सर हमारी इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।